डीप आंसर्स आपकी समस्या दीप त्रिवेदी के समाधान. When due to father's extramarital affair, the family and especially the children and mother are under great stress, then how to deal with such a situation mentally? In such a case, should they rebel or compromise? यह सब जीवन के बड़े ही complicated bad issues हैं. दिक्कत ये है कि न तो कोई जीवन को समझता है, न मन को, न प्रकृति के नियमों को. सो मेहरबानी करके थोड़ा सा प्रकृति के नियमों को समझ ले. मैं जो आपको जवाब दे रहा हूं, पूरा परिवार साथ में बैठ के इसको सुन लो तो शायद इस समस्या का समाधान आ जाए. प्रकृति का यह नियम है कि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है. दरअसल जीवन का यह खेल मनुष्य स्वयं और प्रकृति के बीच चल रहा है. इसमें दूसरे किसी अन्य मनुष्य की कोई दखलंदाजी संभव नहीं है, यह नियम है. और अभी मैं आपको इसकी गहरी साइकोलॉजी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है और खेल कुदरत और मनुष्य के बीच में चल रहा है, तो इसका अर्थ साफ है कि यहां पर दो मनुष्यों के साथ में रहने की कोई साइकोलॉजी बनी नहीं है. और एक और बात समझ लेना कि यदि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है और उसने अपना संसार बनाया है, तो अपनी और अपने संसार की जवाबदारी उठाना भी उसका परम कर्तव्य है. स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि मनुष्य अपनी जवाबदारी निभाए. सो कर्म और कर्तव्य यही जीवन है, यही पूरी गीता का सार है. अब आप कह रहे हैं कि पिताजी के एक्स्ट्रा अफेयर से पूरा परिवार तब दे परेशान है और इसको टेकल कैसे करें. मनुष्य के मन को टेकल करने का कोई भी उपाय किसी के पास नहीं है. यह मन ऐसा है कि खुला छोड़ दो तो भाग जाता है और पकड़ने की कोशिश करो तो डबल से भागता है ना. और यह सबका अनुभव है. इसका कारण यह है कि दूसरों की किसी भी दखलंदाजी में मन नहीं आता है, किसी का भी. सो मेहरबानी कर जो प्रकृति के परम नियम है उसके बीच में ही सब जने समाधान खोजें. जितने भी लोग हैं परिवार के, सबको अपना समाधान इन प्रकृति के नियमों के बीच में खोजना पड़ेगा, है ना. तो मनुष्य स्वतंत्र है, उसे छोड़ेंगे तो भी भागेगा, नहीं छोड़ेंगे तो डबल से भागेगा. और हर मनुष्य को अपनी जवाबदारी निभाना चाहिए. तो जो पेंडिंग जवाबदारी है वो पूरी तरह से निभाए और मनुष्य भागे, उसके अलावा दूसरा कुछ भी संभव नहीं है. थोड़ा सा बस मेरा इतना निवेदन है कि बड़ी बातें, ऊंची बातें, खोटी बातों से कुछ भी नहीं होने वाला. जीवन सीधा सामान्य सरल है, प्रकृति के नियमों से चल रहा है और सारे समाधान का हल उन्हीं नियमों के भीतर खोजेंगे तो समस्या नहीं बचेगी. थैंक यू वेरी मच. Hey, I am the mind, most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am The Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे.